मलेरकोटला में आज भारत बंद के दौरान देश भर में दी गई कॉल के मद्देनजर शहर के सरहदी गेट पर नागरिकता शोध बिल के खिलाफ जगह पर अलग अलग समाज के लोगों ने प्रदर्शन में शिरकत की और रैली को संबोधित करते हुए अलग अलग लोगों ने कहा कि हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं और हम वह सभी कानून वापस करवाने की मांग कर रहे हैं जो लोगों के हित में नहीं। हम चाहते हैं कि देश हम सभी का है और सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। रैली में यह भी ऐलान किया गया कि 1 फरवरी को होने वाली मलेरकोटला में रैली को ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर नागरिकता शोध बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। आजाद टीवी न्यूज के लिए मलेरकोटला से मोहम्मद काजम के साथ शाहिद जुबैरी की रिपोर्ट। गलबात करके उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि भारत का संविधान है जिहड़ा खतरे च है, जिहड़ी बीजेपी की सोच है वो असिधे तरीके भारत संविधान नूं चुके टांके अजिहे कानून बनाना चाहते हैं ते पंजाब इंडिया दे विच इक सिविल वार छेड़ना चाहती है जिहड़ा कि उन्होंने असीं उन्हां दे मनसूबियां विच कामयाब नहीं होण देवांगे। 1 तरीक नूं जी असीं जिहड़ी साडी कमेटी बनी है उहदे विच आवाज़ आउंदी है मलेरकोटले दियां मुस्लिम मोदी ने लोकां धर्म के आधार से पाड़ के लड़ाउण वाला इथे फिरकू पाड़े खड़े करन वाला जां उन्हां नूं दबा के रखण वाला ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਇਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕੇ ਗਿਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ 1914 ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ।